नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से एक डिमांड आ रही थी कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो हो जाए जिसकी वजह से हमें जो थोड़ी बहुत भी कमी यदि रही है पढ़ने में तो वो पूरी हो जाए। देखो साथियों, मोटिवेशन की वैसे जरूरत है नहीं, और यदि मोटिवेशन की जरूरत है ही तो वो मोटिवेशन आपकी किताबें ही आपका मोटिवेशन है, आपके माँ बाप की उम्मीदें ही आपका मोटिवेशन है, आपके बच्चों का भविष्य ही आपका मोटिवेशन है, आपसे जुड़ी हर चीज आपका मोटिवेशन है। बस आपका उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। एक जुनून यदि जाग गया अंदर किसी को जवाब देने का तो बस मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं सरकारी नौकरी लगता ही नहीं यदि मुझे किसी को जवाब न देना होता। कहीं से बस अंदर वो एक जो चोट पहुंचती है ना, उस चोट का जवाब देने का जब जज्बा जाग जाता है तो फिर पढ़ाई के लिए घंटे मायने नहीं रखते कि अपन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 पढ़ रहे हैं या 18 पढ़ रहे हैं। बस मन में ये रहता है पढ़ना है, और इतना शिद्दत से पढ़ना है कि जब भी हो सिलेक्शन तो हमें कट ऑफ नहीं देखनी पड़े या कट ऑफ के वीडियो न देखने पड़े कि कट ऑफ कितनी जा रही है। जितना भी हो अपना एफर्ट पूरा लगा देना है, क्योंकि ये जंग है, जीत गए तो स्वर्ग है, नहीं जीते तो फिर वापस वही संघर्ष है। मोटिवेशन, कई विद्यार्थी कहते हैं सर पढ़ाई का टाइम सेट नहीं होता, समय नहीं निकलता, हमें हमारे साथ में बहुत सारी प्रतिकूलता है, समय अनुकूल नहीं है, हमें ये ऐसा है वैसा है। देखो समय किसी के भी अनुकूल नहीं होता है, समय सभी के प्रतिकूल है, लेकिन आप मेहनत किस ढंग से करते हो, आपका समर्पण किस ढंग का है वो बताएगा कि आपके समय अनुकूल होगा या नहीं होगा। आपको आप जैसे अब मैं अपनी क्लासेस की बात करता हूँ, आपको बढ़िया आराम से क्लासेस मिलती है, क्लासेस देखते हैं, बढ़िया नोट्स बनते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस क्लासेस के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी आज बताता हूँ आपको। ये जब क्लासेस आपके सामने शूट होके आती हैं, ये लगभग 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं इसे, क्योंकि इसे शूट करने में, इसमें एडिट करने में, और फिर वापस सारी जो है पूरी प्रिपरेशन के बाद में आपके सामने आना पड़ता है। ये है तो इसके पीछे भी देखो आप बात बताऊं आपको। बात यह है, अब जैसे आपके सामने बुक्स आ रही है कि सर की ये बुक आई इतनी बढ़िया है, ये आई बुक इतनी बढ़िया है, ये है वो है, अब उसके पीछे की मेहनत ये है। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अभी भी देखो मुझे वैसे जरूरत बिल्कुल ही नहीं है ना, मुझे नौकरी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर का बहुत बढ़िया बिजनेस है ग्रेनाइट का, और मैं बिजनेस ज्वाइन भी कर चुका था, मैं तो पीटीईटी ही नहीं करता। मैंने पटवारी की भर्ती भी निकाल दी थी, लेकिन पटवारी की भर्ती को छोड़ दिया और फिर पीटीईटी ज्वाइन की। कई लोगों ने कहा अरे यार मूर्ख है क्या, पटवारी की भर्ती छोड़कर पीटीईटी ज्वाइन की है यार, और उसके बाद मतलब फिर वापस 5-6 साल बाद जो है टीचर भर्ती निकली और उसमें सीट निकाली थी, और वो भी नहीं निकालता, बिजनेस ज्वाइन कर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को जवाब देना था तो वो निकाली, और उसके बाद फिर लगातार लगे रहे, सारे जितने भी इस दरमियान एग्जाम हुए सारे के सारे जो भी एग्जाम दिए सब निकले, लेकिन उसके लिए एक अपने आप को आधार बनाना पड़ता है, एक मजबूत स्तंभ। अब उसमें देखो अभी की जो क्लासेस है और अभी की ये जो है, मैं कैसे क्लासेस देता हूँ उसका आपको बताता हूँ। चलिए आज वैसे दिल की बात बताता हूँ, बताता नहीं हूँ वैसे, लेकिन आपने यदि नोट किया होगा, ये पिछले आप लगभग 8-9 महीने से जुड़े हुए हो और देख रहे हो, यदि आपने नोट किया होगा जब भी मैं कुछ लिखने जाता हूँ, लिखता हूँ, तो आप यदि हाथ पे यहाँ गौर करते होंगे तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको उभरा हुआ सूजन टाइप दिखाई देती होगी, और अब जब मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं तब स्पेशली आपका ध्यान जाएगा कि हाँ ये चीज है, और ये हाथ नॉर्मल नहीं दिखेगा आपको, ये नॉर्मल था पहले लेकिन अब नॉर्मल नहीं दिखेगा। ये कारण पता नहीं क्या हुआ पिछले 2-3 साल पहले, और ये कहीं कोई चोट थी या कुछ था ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन ये समस्या बढ़ती गई धीरे धीरे, और वर्तमान कंडीशन ये है कि ये जो मूवमेंट है हाथ का बस ये इतना ही हो पाता है, और ये इतना ही हो पाता है, लेकिन न तो मैंने राइटिंग यानी कि लिखना छोड़ा है, न मैंने क्लासेस देनी छोड़ी है, क्योंकि हजारों उम्मीदें मुझसे जुड़ चुकी हैं और उन उम्मीदों पर कायम रहना है। अब इसमें कंडीशन ये होती है साथियों कि जब सुबह उठता हूं मैं, इतना भयंकर दर्द होता है कि घंटे भर तक इसमें मूवमेंट तक मतलब करना मेरे हाथ में नहीं रहता है, और उसके बाद में हल्की फुल्की एक्सरसाइज के बाद में ये चीज सही तरीके से प्रॉपर हो पाती है। न मैंने ड्राइव करना छोड़ा, न मैंने लिखना छोड़ा, न मैंने क्लासेस लेनी छोड़ी, न मैंने कोई भी काम छोड़ा। यदि मैं इसका रोना लेकर बैठ जाऊं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी अंदर का वो जज्बा है, अंदर का जुनून है कि विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं और मुझे कुछ करना है ऐसा जिससे
सिर्फ न सिर्फ गरीब बच्चे या जरूरतमंद, बल्कि हर तबका, हर वर्ग जो है वह लाभान्वित हो। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। और ज्यादा नहीं, मुझसे यदि दो लोग चार लोग भी प्रेरित होकर ऐसा काम करते तो आगे से आगे कभी ना कभी चैन जरूर बन जाएगी और हर विद्यार्थी तक जो है पढ़ाई बिल्कुल ही सुलभ हो जाएगी और उनका आर्थिक भार बिल्कुल कम हो जाएगा। अब ये बात बताने का उद्देश्य कोई किसी तरह की सहानुभूति लेना नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना। डॉक्टर का कहना यह है कि इसका कोई इलाज नहीं, ये कार्टिलेज लॉस है, ये कार्टिलेज लॉस है। शरीर में एकमात्र चीज कार्टिलेज ही ऐसी है जो वापस नहीं बनती है। आपके कार्टिलेज लॉस हो चुका है, आपको जो है जब भी ये समस्या ज्यादा लगती है आपका ऑपरेशन करवा कर रिस्ट रिप्लेसमेंट ही इसका इलाज है, और वो भी सक्सेस होगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि इन चीजों को लेकर बैठ जाओ, बस कुछ भी मत करो, क्या है इसका रोना लेकर बैठ जाओ, लेकिन रुकना ही नहीं है साथियों, आगे बहुत कुछ करना है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये संदेश देने के लिए अपनी ये बात बताई है, ताकि आपको लगता है ना कि अनुकूलता नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए प्रतिकूलता है। जब इस प्रतिकूलता में मैं काम कर सकता हूं तो आपको पढ़ने में क्या जाता है, आपके पढ़ने में क्या जाता है बताइए। आपको बैठकर 8-10 घंटे पढ़ना ही है अभी से, और उसमें मैं आपके साथ दे रहा हूं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है बिना कहे आपको वो चीज बता देता हूं। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और इससे ज्यादा मैं मोटिवेट भी नहीं कर सकता हूं आपको। तो मन में जुनून जगा लेना, मन में ठान लेना, यदि कुछ करना है तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता, सभी कुछ अनुकूल होता है। पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाएगी यदि खुद जीतना चाहोगे, और पूरी दुनिया ही हरा देगी जब खुद ही नहीं जीत पाओगे, खुद हारने पर तुले होंगे। इससे ज्यादा साथियों कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही है कि ये जज्बा जो है आपके अंदर यदि अभी जागा है तो इसे एग्जाम तक कायम जरूर रखना। ये सीट आपके माँ बाप के सपनों के रूप में बनकर निकलेगी, और इसको निकालनी ही है, आपको हारने नहीं दूंगा, ये बात पक्की है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। और नहीं देखो, ये जो भी बातें थी वैसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन सब ये जो है कुछ कभी चीज जो ऐसी आती है, कुछ मैसेज ऐसा पढ़ लेता हूं मैं तो मुझे लगता है कि ये यार ऐसे कैसे हार मानते हैं, ऐसा क्या है, फिर उनको वो चीज ये बतानी पड़ी। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना काम पूरा ऐसे जारी रहेगा और आपको हारना नहीं है, आपको भी इसी तरीके से काम जारी रखना है, आपका पढ़ाई का जो भी काम है वो जारी रखना है, और आपको लक्ष्य को पाकर ही दम लेना है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।